सत श्रीकाल दोस्तों, मैं गुरविंदर आपका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल लेट्स स्टडी एट होम पर। हम अब कर रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज। इससे पहले हमने जो इस एक्सरसाइज की इंट्रो थी इंट्रो की थी, और आप उसकी वीडियो को जरूर देखो, देन आप 7.1 स्टार्ट करना। ओके, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। तो फर्स्टली वॉच इंट्रो, देन यू विल सी दिस। ओके, सो नाउ आज हम करेंगे 7.1 एक्सरसाइज। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिस्टेंस फार्मूला, इन दिस वी विल डू डिस्टेंस फार्मूला। ओके जी, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मीन्स हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है आपको मालूम होगा? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला है हमारा अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। एंड इसमें x2 x1 y2 y1 जो होते हैं वो आपके किसी भी जो कोऑर्डिनेट उसके पॉइंट होते हैं। अब हम इसको क्या मान लेंगे, x1 y1, इसके फोर हम यहाँ लिखते हैं 3 2 कॉमा 3। ये हमारा हो जाएगा x1 y1, एंड 4 कॉमा 1 ये हमारा हो जाएगा x2 y2। एंड x इज नोन एज अब्सिसा एंड y इज नोन एज ऑर्डिनेट। मीन्स पॉइंट ऑफ x एक्सिस इज नोन एज अब्सिसा, पॉइंट ऑफ y एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट, और इन दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 स्क्वायर 4 - 2 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 - 2, 4 - 2 क्या होगा आपका, 2 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एंड 1 - 3 इज -2, -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 8, तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा आपका। ये तो आपको मालूम होगा ना कैसे निकालते हो आप। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 * 2 * 2, 1 2 कम आउटसाइड एंड 1 विल बी इन अंडर रूट। ओके, सो ये था हमारा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन का हमारा। और सेकंड का हमारे पास क्या है, हम लेंगे 5 - 5 कॉमा 7 एंड नेक्स्ट है हमारा -1 कॉमा 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x2 x1 y1, एंड ये हो जाएगा हमारा x2 y2। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू -1 - -5 स्क्वेयर प्लस 3 - 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 + 5। बिकॉज ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखो ना, हमारे पास नेगेटिव तो ऑलरेडी था 5, 5 के पास नेगेटिव तो ऑलरेडी था ही, और यहाँ हमने क्या किया, x2 - x1 करना था। हमने क्या करना था, x2 - x1। तो एक तो फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आ रहा है, एक नेगेटिव 5 के साथ था, तो ये क्या हो गया -5 प्लस 3 - 7, दिस इज ऑल्सो 4 स्क्वेयर √2। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 4 स्क्वेयर मीन्स 4 स्क्वेयर इज, वी नो ऑल व्हाट इज 4 स्क्वेयर, हियर हमारा -4 आएगा। ओके, 4 स्क्वेयर 16 एंड +16, आप ये सॉल्व करो और क्या आ जाएगा, √30, दिस इज 4 √2, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन a b - a - b। अब ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, x2 - x1 -a - a² प्लस -b - b² अंडर रूट -2a² -2b² आप क्या लिखोगे इसे, -2a² प्लस -b - 2b² ओके अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4a²
4 बी स्क्वेयर अनरूट। तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 विल कम आउटसाइड, 4 अनरूट 4 इज इक्वल टू 2, 2 विल कम आउटसाइड अनरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारा आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, जो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने कर लिया, ये हमने, तो नेक्स्ट देखो ऐसे करना है आपने, आप इसका यहाँ पर भी देख सकते हो सॉल्यूशन, ऑलरेडी वी हैव डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी 0.00 एंड 36,15। वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0.00 एंड 36,15। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, दिस इज एक्स टू वाई टू, दिस इज एक्स वन वाई वन, सो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यू ऑल नो, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर, क्या आ जाएगा, 36 माइनस जीरो स्क्वेयर प्लस 15 माइनस जीरो स्क्वेयर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 36 स्क्वेयर प्लस 15 स्क्वेयर अंडर रूट, और 36 का स्क्वेयर क्या होगा, अब हमारा मल्टीप्लाई करो 36 को 36 के साथ, 36 9, 36 6 9 12, 1296 आपका क्या होगा, 1296। प्लस 225, 15 स्क्वायर इज 225। अब हम ऐड करेंगे 1251, 15 अंडर 1521, अंडर 1521 इज रूट ऑफ विच नंबर, कैन यू टेल रूट ऑफ विच नंबर, अंडर 51, तो ये बन जाएगा आपका 1 और 9 15। ये भी मैंने ट्रिक की हुई है हमारे चैनल पर इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने की भी ट्रिक आपको मिल जाएगी, आप उसे देख लेना। ये 39 का है और ये क्या है, 39 का स्क्वायर है, 1521 इज 30 स्क्वायर ऑफ 31, चाहे तो आप इसे निकाल सकते हो 39 से, ऐसे भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39 यूनिट्स, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ पॉइंट। ओके, आप वेरीफाई कर सकते हो, 39 को 39 से मल्टीप्लाई कर लो, 81 9 तो आई 54 1 2 15। ओके, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, डिस्टेंस डिटरमिन इफ द पॉइंट ए बी सी, ए बी एंड सी आर कोलिनियर और नॉट, वेन दे आर कोलिनियर, इफ दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन देन दे आर कोलिनियर, मीन्स इफ दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑन द स्ट्रेट पाथ देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। हम कैसे ढूंढेंगे ये दे आर कोलिनियर और नॉट, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक देयर पोजिशन ऑन अ लाइन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी देन दे आर कोलिनियर, इफ दिस कंडीशन विल होल्ड देन दे आर कोलिनियर, देन दे आर कोलिनियर। नाउ विल फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला यू ऑल नो, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। अब मैं डायरेक्टली पुट करने जा रहा हूं, आप देखो कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली मैं पुट करने जा रहा हूँ, 2 माइनस 1 इज 1 स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 5 इज -2 स्क्वेयर अंडर रूट, तो ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट 5, 1 प्लस 4 इज अंडर रूट 5,
नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, बी सी। बी सी का आपका क्या होगा, बी सी का माइनस टू माइनस फोर स्क्वेयर एंड माइनस इलेवन माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री माइनस फोर्टीन स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16 प्लस 196। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 212। तो इसका क्या होगा आपका, निकालो जरा, इसका फैक्टर बन रहे हैं और नॉट 2106 253 मींस ये आपका हो जाएगा 253। इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। एंड ए सी, नाउ ए सी क्या होगा आपका, ए सी क्या होगा आपका, ए सी होगा आपका, इससे ए सी निकालेंगे हम, माइनस थ्री स्क्वेयर एंड प्लस माइनस 16 स्क्वेयर। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा 9 प्लस 256 अंडर रूट, तो 265 अंडर रूट, 265 अंडर रूट। सो दे आर नॉट कोलिनियर, सो वी कैन सी दे आर नॉट कोलिनियर बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी ए बी एंड बी सी आर नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, सो दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, चेक वेदर द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल और नॉट। आइसोसेलिस ट्रायंगल, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलिस ट्रायंगल, डू यू नो व्हाट इज आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल मींस इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलिस ट्रायंगल। ए बी सी इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलिस ट्रायंगल। सो व्हाट वी विल व्हाट हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। फर्स्ट वी विल चेक डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस फार्मूला यू ऑल नो, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर। आपने सोल्यूशन में एक बार तो ये फार्मूला लिखना ही लिखना है। ओके, अगर आप इस फार्मूले को लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और चेक करने वाला भी इम्प्रेस होता है कि आपको अच्छी नॉलेज है। तो ए बी वी वांट टू फाइंड एक्स टू माइनस एक्स वन, 6 माइनस 5 स्क्वेयर प्लस 4 माइनस माइनस 2 स्क्वेयर अंडर रूट। 6 माइनस 5 स्क्वेयर इज 1 स्क्वेयर ओनली एंड दिस इज 6 स्क्वेयर 36 बिकॉज माइनस बिकम पॉजिटिव 36, 1 प्लस 36 इज अंडर रूट 37। ये आपका क्या आ गया, अंडर रूट 37। नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी सी क्या होगा आपका, बी सी क्या होगा, बी सी आपका होगा 7 माइनस 6 1 स्क्वेयर एंड -2 -4 -2 -4 स्क्वेयर। ये क्या बनेगा आपका, 1 प्लस 6 -6 स्क्वेयर इज 36, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 37, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 37। सो ए सी, अब ए सी ढूंढेंगे हम, ए सी क्या है हमारा, 7 माइनस 5 2 7 माइनस 5 इज 2 स्क्वेयर -2, और इसे हम डिटेल में लिखते हैं थोड़ा। अब देखो 7 माइनस 5 स्क्वेयर प्लस -2 -2 स्क्वेयर अंडर रूट। तो अब ये क्या होगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 2 स्क्वेयर मीन्स -2 प्लस 2 इज दैट इज 0 अंडर रूट एंड दिस बिकम 4 अंडर रूट ऑफ 4 इज
टू दिस बिकम अंडर रूट फोर डेट इज इक्वल टू टू। सो आप देखो ये और ये दो डिस्टेंस इक्वल हैं, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी। हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी। अब यहाँ लिखो ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, अंडर रूट 37, अंडर रूट 37, और ये हमारा टू है। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्विलेटर एंगल। इसे हम क्या बोले, सॉरी नॉट इक्विलेटर, आइसोसेलीस ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलीस ट्रायंगल। इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलीस ट्रायंगल बन जाएगी। ओके दोस्त, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। चंपा चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा चमेली डू डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर। चमेली डिसएग्री। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मीन्स क्या है, जो चंपा है, चंपा क्या बोल रही है, विद दिस इज अ स्क्वेयर एंड पुश, वो उसे आस्क कर रही है, वो उससे पूछ रही है कि इज इट स्क्वेयर। चमेली क्या कह रही है, वो डिसएग्री है, वो बोल रही है स्क्वेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उनका मसला सुलझ जाएंगे। हम अब हम आ गए हैं ना पढ़ने के लिए 10th क्लास में, तो हम अब इनका मसला सुलझा देंगे, इज इट स्क्वेयर और नॉट। सो फर्स्टली यू कैन सी इन फिगर एवरीथिंग दे हैव गिवन फिगर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। ए की पोजीशन क्या है हमारी, 3x 3 एंड वाई इज 4। एक्स की पोजीशन है हमारी 3,4 एंड सॉरी ए की पोजीशन है 3,4 एंड बी की पोजीशन क्या है हमारे पास, बी की पोजीशन है हमारे पास 6,7, 6,7 एंड सी की पोजीशन क्या है हमारे पास, 9,4, 9,4 एंड डी की पोजीशन क्या है हमारे पास, 6,1, 6,1। ये आपकी पोजीशन आ जाएंगी, आप इसको नोट कर लो। आपको मालूम होगा ना कैसे निकालना है, 9th क्लास हमने की है, आपको मालूम होगा कैसे निकालना है। सो नाउ व्हाट वी विल फाइंड टू शो ए बी सी डी इज स्क्वायर, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड फर्स्टली ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन ए डी। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल और नॉट, ऑल साइड्स आर इक्वल और नॉट। देन वील फाइंड ए सी एंड बी डी ऑल्सो, ए सी एंड बी डी ऑल्सो। इफ देयर डायगनल्स आर इक्वल देन इट बिकम स्क्वेयर, अदरवाइज इट विल नॉट बिकम स्क्वेयर। इफ मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट मे रॉम्बस, इट मे स्क्वेयर, इट मे रॉम्बस और इट मे स्क्वेयर। इफ विल प्रूव देयर डायगनल्स आर इक्वल देन डेफिनेटली इट विल बी अ स्क्वेयर बिकॉज इन स्क्वेयर डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो फर्स्टली वी विल फाइंड ए बी, ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्टली हम ये ढूंढते हैं ए बी का डिस्टेंस क्या होगा। दिस इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू पुट अ डायरेक्ट वैल्यू, 6 - 3 स्क्वेयर एंड 7 - 4 स्क्वेयर अंडर रूट। तो आपका 2 स्क्वेयर प्लस दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर, सॉरी 3 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 6 - 3 इज 3, 3 स्क्वेयर इज 9, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट 18 एंड अंडर रूट 18 वी कैन राइट टू, सॉरी 3 अंडर रूट 2, वी कैन राइट 3 अंडर रूट 2। नेक्स्ट हमारा बी सी, बी सी में क्या होगा हमारा, 9 - 6 दैट इज ऑल्सो 3, 9 - 6 ऑल्सो 3, 4 - 7 डेट इज -3 स्क्वेयर। तो 9 प्लस 9 ये भी हमारा क्या बन जाएगा, अंडर रूट 18 और दिस इज 3 अंडर रूट 2। सी डी, सी डी में क्या होगा, अब 6 - 9 - 3 स्क्वेयर प्लस 1 - 4 - 3 स्क्वेयर अंडर रूट, और ये भी क्या बन गया, 9 प्लस 9 अंडर रूट डेट इज ऑल्सो 3 अंडर रूट 2। ए डी, अब ए और डी, ए और डी में क्या होगा, 6 - 3 डेट इज ऑल्सो 3
प्लस वन माइनस फोर डेट इज ऑल्सो माइनस थ्री स्क्वेयर, ये भी आपका क्या बन गया, थ्री अंडर रूट थ्री बन जाएगा, थ्री अंडर रूट टू बन जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा, थ्री अंडर रूट टू। नाउ ए सी, अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए सी में, क्या फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस ए सी में फाइंड करेंगे, कहाँ जो हमें मालूम पड़े कि ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए सी में, ए सी और बी सी का, अगर डायगोनल इक्वल हो गए हमारे, अगर डायगोनल्स आर इक्वल देन दिस इज अ स्क्वेयर, ऑल साइड्स आर इक्वल, वी हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मे रोम्बस इट मे स्क्वेयर। नाउ ए सी नाइन माइनस थ्री, ए सी में विल टेक ए एंड सी, नाइन माइनस थ्री स्क्वेयर प्लस फोर माइनस फोर डेट इज जीरो ओनली, फोर माइनस फोर डेट इज जीरो ओनली, नाइन माइनस थ्री डेट इज सिक्स, सिक्स स्क्वेयर 36 अंड टू डेट इज इक्वल टू सिक्स ओनली। सो नाउ नेक्स्ट बी डी, सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो, सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो स्क्वेयर प्लस वन माइनस सेवन, वन माइनस सेवन स्क्वेयर अंड रूट, और ये भी हमारा क्या बन गया 36 अंड रूट, और ये भी क्या हो जाएगा सिक्स, इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आल्सो इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर, तो हमने ये इसको क्या प्रूव कर दिया, स्क्वेयर प्रूव कर दिया। कितने डिस्टेंस फाइंड करने पड़े हमें, हमें पूरे छह डिस्टेंस फाइंड करने पड़े। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। सो फर्स्टली हम सेम क्वेश्चन विच वी हैव डन प्रीवियसली, रिसेंटली वी हैव डन दैट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑल ए बी सी, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, देन वी विल फाइंड द डायगोनल्स, देन वी आर एबल टू टेल अबाउट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी विल टेक देम ए बी सी डी, ऐसे हम ले लेंगे इसे ए बी सी डी, ओके आई विल राइट इट ए बी सी डी, ये हमारे पॉइंट हैं। सो ए हमारा क्या आ जाएगा, वन माइनस वन डेट इज ए बी, वन माइनस वन डेट इज टू, माइनस माइनस टू ये प्लस हो जाएगा ना, वन माइनस माइनस प्लस टू, टू स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर, दिस इज ऑल्सो बिकम पॉजिटिव, दिस टू ऑल्सो बिकम पॉजिटिव, टू अंडर रूट टू ये हमारा बन जाएगा, टू अंडर रूट टू, टू टू द फोर, टू टू द फोर, एंड वी कैन टेक एट, एट बिकम टू अंडर रूट टू एंड बी सी, थोड़े शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने जस्ट डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, अबे आप क्यों नहीं कर सकते, कर सकते, डिस्टेंस फार्मूला लिखो देन पुट दी वैल्यू फाइंड योर आंसर, माइनस वन अगेन माइनस टू स्क्वेयर एंड टू माइनस टू डेट इज ऑल्सो जीरो, टू टू स्क्वेयर, और अब ये क्या है, ये भी टू अंडर रूट टू है, एंड सी डी थ्री माइनस माइनस वन डेट इज फोर, थ्री माइनस माइनस वन, थ्री माइनस माइनस थ्री, दिस इज अ माइनस थ्री, यू कैन सी हियर दिस इज अ माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन डेट इज टू, माइनस टू स्क्वेयर प्लस माइनस टू स्क्वेयर अंडर रूट, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, टू अंडर रूट टू, और नेक्स्ट ए डी आपका क्या होगा, नेक्स्ट ए डी थ्री माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस वन, और माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, मीन्स माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर ओनली, प्लस टू स्क्वेयर अंडर रूट, और ये भी क्या हो क्या बन जाएगा आपका, टू अंडर रूट टू, तो मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मे रॉम्बस इट मे स्क्वेयर, नाउ विल फाइंड ए सी, ए सी क्या होगा अब देखते हैं, ए सी क्या बनता है हमारा, माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस जीरो, तो ये बन गया माइनस वन, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स ऑन द इसमें एक्स एक्सिस सेम है, ये लाइन
अगर आपके एक्स के अबसीसा सेम है तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, अगर अबसीसा कांस्टेंट है सेम रह रहा है आपका तो ये लाइन पैरेलल होगी वाई के। तो जीरो स्क्वेयर प्लस टू माइनस माइनस प्लस फोर स्क्वेयर अंडर रूट, तो आपका ये तो फोर ही बन जाएगा। बी सी, बी सी थ्री माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, ये बन गया आपका टू नॉट 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 माइनस थ्री माइनस वन फोर, ये इस आल्सो फोर माइनस थ्री माइनस वन दिस आल्सो फोर, फोर स्क्वेयर जीरो जीरो ओनली जीरो, सो यू कैन राइट इट फोर, स्क्वेयर रूट कैंसिल दैट इज आल्सो फोर, इट मीन दिस इज अ स्क्वेयर, दिस इज अ स्क्वेयर, दिस इज अ स्क्वेयर, यू कैन फाइंड दिस इज अ स्क्वेयर। ओके जी, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, दिस बिकम अ स्क्वेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी, अब ये क्या होगा, थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री, थ्री माइनस हम फाइंड करेंगे ए बी, थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री स्क्वेयर एंड प्लस वन माइनस फाइव स्क्वेयर अंडर रूट, और ये पॉजिटिव कैसे है आपको मालूम है ना, थ्री माइनस एक फार्मूले में था एक थ्री के साथ था, इज इक्वल टू नाइन, नाइन स्क्वेयर इज 81, सॉरी सिक्स, सिक्स स्क्वेयर इज 36 एंड माइनस फोर स्क्वेयर इज 16, तो आपका 52 हो जाएगा, 52 अंडर रूट, और इसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13, 2 अंडर रूट 13। देन बी सी, अब बी सी क्या होगा आपका, 0 माइनस 3 3 स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 1 2 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू नाइन प्लस फोर, नाइन प्लस फोर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 13 ओनली। एंड नेक्स्ट इज सी डी, नेक्स्ट इज सी डी, सी डी इज इक्वल टू माइनस वन जीरो दैट इज माइनस वन स्क्वेयर ओनली प्लस फोर माइनस थ्री, माइनस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन, सो दिस बिकम अंडर रूट 50, 49 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 50, 5 अंडर रूट 2। सो नेक्स्ट आपका हो जाएगा ए डी, ए डी नेक्स्ट आपका हो जाएगा ए डी, अब ए डी में आप क्या करोगे, माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस माइनस 3 दैट इज बिकम पॉजिटिव, माइनस 1 माइनस माइनस 3 स्क्वेयर प्लस फोर माइनस फोर माइनस फोर माइनस फाइव स्क्वेयर अंडर रूट, ये क्या हो गया आपका टू, और टू के बाद माइनस माइनस प्लस टू थ्री, हाँ जी टू स्क्वेयर इज फोर, नाइन स्क्वेयर इज 81, सो आपका ये हो गया अंडर रूट 85, आपका ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 85। क्या आप क्या देख रहे हो इसे, दिस इज एनी टाइप ऑफ वर्ड लेटर, कैन यू टेल मी एनी टाइप ऑफ वर्ड लेटर, क्या देख रहे हो आप, अरे भाई बताओ क्या देख रहे हो आप, इज इट अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट, मुझे क्या लग रहा है ये तो क्वाड्रिलेटर फॉर्म ही नहीं हो रही, अगर क्वाड्रिलेटर है तो ये इसकी कोई भी साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं है। सो What we have to see here, I will check these points. I have a doubt on these points. 52 and 13, 85. Sum of two equal to third तो नहीं बन रहा कोई? देखो यहाँ पर। So here we'll find also the distance of AC. Once we'll find the distance of AC, we will check their cleaner or not.
एसी इज इक्वल टू, और एक डायगोनल भी फाइंड हो जाएगा हमारा। सो एसी इज इक्वल टू एसी एसी 3 स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 5 -2 स्क्वेयर अंडर रूट। और ये क्या आपका हो जाएगा, 9 प्लस 4 अंडर रूट, तो ये होगा आपका √13। तो आप क्या देख रहे हैं, ए सी बी सी और ए बी, ए बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। आप इस दोनों को ऐड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक लाइन में बन रहे हैं वो, तो क्या होगा आपका, क्लीनर हो जाएंगे। इसको इसको और इसको देखो आप, सो ए बी सी आर कोलिनियर, सो इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रिलेटरल, सो इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रिलेटरल। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो एक पॉइंट आउट ऑफ 4, इफ 3 पॉइंट आर कोलिनियर देन इट बी अ ट्रायंगल ओनली नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इट बी अ ट्रायंगल ओनली नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसे ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और दिमाग लगाकर देख लेना जरूर, क्योंकि वो चाहता है कि आप 6 के 6 डिस्टेंस फाइंड करो, वो चाहता है कि आप 6 के 6 डिस्टेंस फाइंड करो, तभी आप बता पाओगे दिस इज क्वाड्रिलेटरल और नॉट। सो वी कैन से दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इट केयरफुली बिकॉज यू हैव टू फाइंड ऑल 6 डिस्टेंसेस, ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी एंड बी डी, ताकि जो आपको मालूम पड़ जाए, अगर 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं क्लियर है तो आपको मालूम पड़ जाएगा इट कैन नॉट बी व्हाट इज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज व्हाट इज ऑफ ट्रायंगल और अ स्ट्रेट लाइन। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए बी सी डी, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसे हम। ए बी इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 5 इज 2 स्क्वेयर 6 माइनस 5 इज 1 स्क्वेयर, सो 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। और बी सी आपका क्या होगा, 4 माइनस 7 दैट इज 3 माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 2 स्क्वेयर 9 प्लस 4 दैट इज 13 अंडर रूट 13, 9 प्लस 4 इज अंडर रूट 13। सी डी, सी डी क्या होगा आपका, -3 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर, तो अगेन दिस इज अंडर रूट 10। ए डी, ए डी क्या होगा, 1 माइनस 4 दैट इज -3, एंड नेक्स्ट भाई 2 माइनस 5 क्या होगा आपका, -3 स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये भी आपका क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं, हमने फाइंड करना था ए डी, ए डी 9 9 अंडर रूट 18 दैट इज 3 अंडर रूट 2। तो आप इसे क्या देख रहे हैं, इससे आपको शायद मालूम पड़ जाएगा, ये तो दो साइड्स तो इक्वल है हमारी, दो साइड तो क्या है इक्वल, और यहाँ क्या बन रहा है हमारा बी सी, देख चेक करते हैं हम बी सी एक बार, 3 माइनस 3, यहाँ भी 3 आ गया, अरे भाई 3 आएगा यहाँ, 3 माइनस 6 इज 3 अंडर रूट 18 डेट इज ऑल्सो 3 अंडर रूट 2। सो हमारे पास क्या है, ए बी इन दिस क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 10, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 18, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 10, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 18, मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, नाउ वी हैव ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मे बी अ क्वाड्रिलेटर, इट मे बी अ रेक्टेंगल, इट मे बी अ क्वाड्रिलेटर, इट मे बी, इट मे बी अ स्क्वेयर, नॉट स्क्वेयर यार, इट मे बी अ रेक्टेंगल, इट मे बी पैरलोग्राम, इट मे रेक्टेंगल, इट मे पैरलोग्राम। अगर आपकी ये रेक्टेंगल होगी तो डायगोनल इक्वल होंगे, अगर पैरलोग्राम हुई तो क्या होंगे, डायगोनल नॉट इक्वल होंगे, डायगोनल नॉट इक्वल। ए सी, ए सी क्या होगा आपका, 4 माइनस 4 दैट इज 0 ओनली एंड 3 माइनस 5 दैट इज 2 ओनली प्लस -2 स्क्वेयर दैट इज 2 ओनली, एंड बी डी, बी डी क्या होगा आपका, 1 माइनस 7 6 स्क्वेयर, -2 माइनस 6 दैट इज
-4 स्क्वायर, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16, तो आपका ये हो जाएगा 52, 152। आप 152 क्या लिख सकते हैं, क्या लिखोगे आप 152 को, 213। सो दिस इज अ पैरलोग्राम, दिस इज अ पैरलोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट बिकम अ पैरलोग्राम बिकॉज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, सो दिस इज अ पैरलोग्राम, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, दिस इज अ पैरलोग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसके 3 पार्ट कर दिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन है थोड़े से इंपॉर्टेंट, जिनमें थोड़ा सा आप कह सकते हो दमदार क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस टू पॉइंट, 2, -5, 2, -5, एंड सेकेंड इज -2, 9, -2, 9। तो ऐसे हमें दिए हैं, दे हैव गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी, हमने सी पॉइंट फाइंड करना है ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्सिस यू ऑल नो ऑन एक्स एक्सिस वाई इज ऑलवेज 0, मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस ही होगा, एक्स की वैल्यू ही होगी, अब सीधा ही होगा, y 0 होगी, y की कोई वैल्यू नहीं होगी एक्स एक्सिस पर, बिकॉज एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स ही आएगी, वाई एक्सिस पर फिर एक्स नहीं आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मीन्स जिसकी लाइन उसकी ही पॉइंट, वाई एक्सिस तो वाई के ही पॉइंट आएंगे, x 0 ही रहेगा उस पर। सो अगेन वी वांट टू, वी दे हैव गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन दे हैव गिवन, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, डिस्टेंसेज आर इक्वल, वी विल अप्लाई हेयर फार्मूला ए सी, ए के पॉइंट क्या थे हमारे 2, -5, 2, -5, एंड बी क्या थी हमारी -2, 9। तो एक्स -2 स्क्वेयर प्लस 0 -5 मीन्स 5 स्क्वेयर, अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स -2 स्क्वेयर प्लस -9 स्क्वेयर अंडर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड रूट विल कैंसल, आफ्टर स्क्वेयरिंग बोथ साइड रूट विल कैंसल, नाउ x -2 स्क्वेयर, वी विल ओपन द स्क्वेयर, x² प्लस मीन्स a² प्लस b² -2ab -4x + 25 इज इक्वल टू x² प्लस 4 + 4x + 81। ओके, तो ये क्या होगा, x² वी कैन कैंसिल विद x², 4 कैंसिल विद 4, एंड -4x दिस आल्सो बिकम नेगेटिव दिस साइड, -4x इज इक्वल टू 81 -25, दिस इंप्लाई -8x इज इक्वल टू 56, -8x इज इक्वल टू 56, सो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 56/-8 -7, x इज इक्वल टू -7, सो पॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू -7, 0, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस -7, 0, ये आपका पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, जो कि ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस हो पे होगा, मीन्स 2, -5 एंड -2, -2, -2, 9 से वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा 7, 0। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट, दे हैव गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, दे हैव गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पी क्यू पर डिस्टेंस का, 10 -2 स्क्वेयर प्लस y + 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 10, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम स्क्वेयरिंग कर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम,
रूट कैंसिल, सो दिस बिकम 8 स्क्वेयर, डेट इज 64 प्लस वाई प्लस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100. सो दिस इम्प्लाई वाई प्लस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, डेट इज इक्वल टू 36. दिस इम्प्लाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. वाई प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. अब हमारे पास वाई प्लस 3 की दो वैल्यू है, एक तो प्लस 6, एक क्या है वाई प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6. सो अगर प्लस 6 हुआ तो वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3, बिकॉज 3 बिकम दिस साइड नेगेटिव. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3. एंड अगर पॉजिटिव हुआ तो, और इफ वाई प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9. तो हमारे पास दो वैल्यू है वाई की, वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस 9. वाई इज इक्वल 3 और माइनस 9, ये हमारी दो वैल्यू हैं. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम. ये दो वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती हैं किसी भी एक की, बिकॉज आप देखो ना, मेरे पास एक ये एक प्लेन है और इसमें दो पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, पी, ये मेरा पी पॉइंट मैं फिक्स कर देता हूँ. मेरा पी फिक्स है, वो है 2 माइनस 3. और पी का देर आर सो मैनी पॉइंट्स, देर आर इन्फाइनाइट मैनी पॉइंट्स विच हैविंग इक्वल डिस्टेंस, विच हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी, वो इसके इर्द गिर्द होंगे, सर्कल में होंगे. और उनमें से ही अगर हमारा एक्स इज इक्वल टू 10 चल रहा है, अगर हमारा एक्स इज इक्वल टू 10 चल रहा है, यहाँ मैं लगा देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 10, इसके ऊपर एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दो पॉइंट होंगे, यहाँ पर इसका डिस्टेंस सेम आएगा, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रही है, दो वैल्यू आ रही है वाई की. सो ऐसे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, तो ओके, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आपका यहाँ पर तक, यहाँ अप टू दिस आपका काम चलेगा. ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. इफ क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, मीन पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, दोनों में डिस्टेंस सेम है, दे हैव गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर. फर्स्टली विल फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, एक्स माइनस 5 स्क्वेयर, नॉट एक्स माइनस 5, सॉरी, डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, 5 माइनस 0 स्क्वेयर, 5 माइनस 0 स्क्वेयर, क्यू इज इक्वल डिस्टेंस ना फ्रॉम पी, फर्स्टली वी फाइंड पी क्यू, 5 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस माइनस 3 माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू x माइनस 0 स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वेयर अंडर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड रूट विल कैंसिल, दिस इज इक्वल 25 प्लस 4 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 25, 25 कैंसिल 25 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, बिकॉज स्क्वेयर बिकम दिस साइड अंडर रूट, अंडर रूट प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, हमारी दो वैल्यू होंगी एक्स की, वन इज पॉजिटिव 4, वन इज नेगेटिव 4. सो अगेन सेम हमारा जो 8th क्वेश्चन था उसका ही कंसेप्ट रिपीट हो रहा है. तो हमारे पास दो वैल्यू है एक्स की, एक तो पॉजिटिव 4, एक नेगेटिव 4. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं किसका, क्यू आर का. जब हम क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्यू क्या है, तो हमारे पास क्यू का क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, कलर चेंज करता हूँ पहले. तो आई वॉन्ट टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर. अब मैं क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्यू क्या है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू 0,1 एंड आर क्या है, आर है हमारे पास एक्स कॉमा 6. अब एक्स की तो दो वैल्यू है हमारे पास, आर ज्यादा होगा 4,6, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है आर 4,6 होगा. सेकंड ऑप्शन क्या है आर की, -4,6, ये भी ऑप्शन है आर की. तो अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्यू आर का एंड क्यू आर का, मीन्स आपको दो डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे, मीन्स क्यू आर व्हेन वी विल गो, फर्स्टली व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, देन क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू
इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 41 अंडर रूट। ओके जी, एंड इफ योर अगेन क्यू आर व्हेन एक्स इज इक्वल टू -4, व्हेन एक्स इज इक्वल टू -4, तब आपका क्या होगा? -4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, ये भी आपका क्या आ जाएगा? अंडर रूट 41। ये तो सेम हो गए। अब हम फाइंड करेंगे पी आर। पी आर व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, देन आपका क्या होगा? पी आर वी वांट टू फाइंड 4 -5 स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर, तो आपका हो जाएगा 81 एंड 82, अंडर रूट 82। अगर आपका होगा एक्स इज इक्वल टू -4, तो आपका पी आर क्या होगा? -4 -5 -4 -5 प्लस 6 -3 9 स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 9 स्क्वेयर, मीन्स 81 प्लस 81 162, दैट इज इक्वल टू 9 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसको देख सकते हो, ये आपका क्या होगा आंसर। हमने चार डिस्टेंस फाइंड किए हैं। क्यों किए हमने चार डिस्टेंस फाइंड? बिकॉज हमारे पास क्या था, एक तो हमारे पास, जब हमने दो तो हमने फाइंड करने थे, हमने दो फाइंड करने थे, बट प्रॉब्लम क्या थी, जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाती है? हमारे पास दो वैल्यू बनती है एक्स की, तो इससे भी दो डिस्टेंस फाइंड होंगे और इससे भी दो डिस्टेंस फाइंड होंगे आपके। ओके जी, सो आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3, 6, 4, 3 -3, 4। सो एक्स इज इक्वल, एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस, वी विल फाइंड द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? जो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ पॉइंट। सो एक्स -3 स्क्वेयर प्लस y -6 स्क्वेयर अंडर रूट। सिमिलरली दैट इज इक्वल टू x+3 स्क्वेयर प्लस y -4 y -4 स्क्वेयर अंडर रूट। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड रूट विल कैंसिल। आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख के, यहां पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड रूट विल कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x² + 9 - 6x + y² + 36 - 12y इज इक्वल टू x² + 9 + 6x + y² + 16 - 8y। तो x² कैंसिल विद x², y² कैंसिल विद y², 9 कैंसिल विद 9। बाकी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, -6x - 12x + 36 - 6x + 8y एंड -16, दैट इज इक्वल टू 0। क्या होगा? 6 - -6 - 12x - 4, आई थिंक हेयर वाई, इट विल कम हेयर कम वाई, -4y एंड 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 +20 इज इक्वल टू 0। टेक -4 कॉमन, 3x + y + -5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये आपका क्या हो जाएगा? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। दिस इज योर आंसर। सो आपकी 10.7.1 कंप्लीट, 10.1 इज कंप्लीटेड, 7.1 इज कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू योर क्वेश्चन
क्वेश्चन फ्रॉम 7.2 एक्सरसाइज, दैट इज डिस्टेंस, वी हैव डन डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज सेक्शन फार्मूला। ओके, सो आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बिलो द वीडियो। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन कमेंट, आई विल क्लियर इट आउट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।